हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली मैं जाग चुका हूँ और आप मेरी हालत देख के अंदाजा लगा सकते हो कि भाई मैं रात को एडिटिंग करके लेट सोया हूँ और सुबह जल्दी जाग गया हूँ। तो अब जल्दी से नहाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे क्योंकि फिर टीम आने वाली है और दिन में शूट चलेगा। तो शूट में जो कुछ भी होगा मैं आपको अपने ब्लॉग में बताता रहूँगा। तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग से जुड़े रहिए और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। तभी मैं नीचे आके देखता हूँ, ध्रुव भाई झाड़ू लगा रहे हैं और ये देखते ही दुख जाते हैं क्योंकि ना वीडियो में आना बहुत पसंद नहीं है। उसके बाद मनीष, ये बंदा ऐसा है भाई, सुबह से ही अपनी गर्लफ्रेंड से लग जाता है बातें करने में और जैसे ही इसे पता चलता है कैमरा चल रहा है ये ऊपर को भागने लगता है कि मुझे कैच ना कर लिया जाए। उसके बाद अशोक भैया, ये भाई सुबह सुबह भजन सुनते हैं और अपना काम ना पूरे मजे से करते हैं जैसे मैं करता हूँ और ये कैमरे को देखते ही पोज देने लगते हैं। भाई देखो आप इनका कितना फनी अंदाज है, इनको देख के एक समझ आती है आप जो भी कर रहे हो ना पूरे फनी वे में कर रहे हो। उसके बाद ये नहाने चले जाते हैं और कपड़े धो रहे होते हैं, तभी मैं कैमरा लेके पहुंचता हूं तो ये गुस्सा कहते हैं कि यार सब चीज नहीं दिखाते। उसके बाद अब मैं भी नहा धो के तैयार हूं और अब टाइम है भाई किचन में जाने का। और देखो सब्जी बनाने के लिए प्याज हरी मिर्च काट लिए हैं और पतीले को गैस पे चढ़ा दिया है सब्जी बनाने के लिए और अब मैं ही सब्जी बनाऊंगा। उसके बाद मेरे अंदर का सेफ जाग जाता है और मैं भी कुछ पोज देने लगता हूं, लेकिन ये पोज खत्म होते ही मैं लग जाता हूं अपने परम कर्तव्य को निभाने में, मतलब आटा लगाने में। आपको पता ही होगा भाई आटा लगेगा जब ही तो रोटियां बनेंगी, इतना भी दिमाग नहीं है क्या। पूरे मन से मैं अपने बल का प्रयोग करते हुए आटे को लगा ही देता हूं आखिरकार। उसके बाद नंबर आता है रोटियां बेलने का और आप मेरी स्पीड देख के अंदाजा लगा सकते हैं, कोई मुझे एक्सपीरियंस बहुत पुराना है। थोड़ी देर के बाद हमारी टीम आ जाती है और हम ना प्लग कार्ड बनाने लगते हैं। मैं आपको बता दूं आज हम आगरा जाने वाले हैं शूट करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कोलकाता में डॉक्टर के साथ जिस तरह से रेप किया गया और उसे मर्डर किया गया वो बहुत ही भयावह है। और इन बैनरों को बनाने के बाद हमारी पूरी टीम निकल जाती है आगरा के लिए। देखो मैं एक बात बता दूं, हम इंसान की सोच को बदल नहीं सकते लेकिन हम एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं, शायद हमारी कोशिश से कोई बेटियों का सम्मान करना स्टार्ट कर दे और उन्हें अपनी बहन की नजर से देखे। तो बस इसी मोटिव को लेके हम चल देते हैं सीधे आगरा की तरफ और आज धूप बहुत ज्यादा है लेकिन इस सबकी परवाह ना करते हुए मैं इस बैनर को लेके चौराहे पे खड़ा हो जाता हूँ और काफी ज्यादा लोगों के रिएक्शन बहुत अच्छे आते हैं, तो कुछ इसका मजाक भी बनाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये केवल व्यूज के लिए किया जाता है लेकिन मैं आपको बता दूं हमारा व्यूज पाने का कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है क्योंकि हम कॉमेडी वीडियो बनाते हैं हमेशा अपने पेज पे और हमारे बहुत अच्छे व्यूज आते हैं। इस वीडियो का मोटिव केवल लोगों को जागरूक करना है लेकिन हमें थोड़ी देर के बाद ही जाना पड़ता है क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है तो बहुत ज्यादा क्राउड आ रहा था और जाम हो जाता था रास्ता, इसलिए हमें ये सब बंद करके निकलना पड़ता है। हम नहीं चाहते कोई भी इश्यू क्रिएट हो क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी और हमें वापस आना पड़ता है, धूप भी बहुत ज्यादा हो रही थी और आप हमारे चेहरे देख के अंदाजा लगा सकते हो कि भाई धूप में शूट करने से क्या हालत हो जाती है। सारे लोगों को हमारे फॉलोअर दिखाई देते हैं लेकिन उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखाई देती, जिसके बाद मैं न्यूज वीडियो भी बनाने लगा और ये सब अशोक भैया कब कैमरे में कैद कर लेते हैं मुझे पता ही नहीं चलता क्योंकि भाई न्यूज वीडियो बनाते समय आप इधर उधर नहीं देख सकते और ये यहाँ पे मेरी पोल खोल देते हैं कि देखो न्यूज वीडियो कैसे बनाई जाती है। इसके बाद जब मैं नीचे आता हूँ तो मुझे याद एक बहुत बड़ा शॉक्ड लगता है, मुझे लगता होता है कि मेरी टीम काम कर रही है लेकिन ये देखो भाई सिद्धू मूसा वाला के गाने चला के आराम से गाने सुने जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर वही टाइम आ जाता है अपना परम कर्तव्य निभाने का और मैं इसमें बिल्कुल भी देरी ना करते हुए चावल चढ़ा देता हूँ पतीले पे और ये देखो मसाला भून के तैयार है। आज हम फ्राइड राइस बनाने वाले हैं और साथ में चपातियां बनाने वाले हैं। अब देखो भाई लड़कों की मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती, सबको लगता है लड़के बाहर रहते हैं तो बहुत मजे करते हैं लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, लड़के अपने कुछ सपनों के लिए और अपने घर की मजबूरियों के लिए क्या क्या एडजस्ट करते हैं, क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं ये इस छोटे से ब्लॉग में नहीं बताया जा सकता। आप बस ये समझ लो कि बस खाना बनने वाला है और हम बड़े मजे में रह रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ बोलूंगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। मैं खाना बनाने के साथ साथ स्त्री 2 मूवी भी देख रहा हूँ, देख रहे हो मेरा माइंड मतलब एक पंथ दो काज कितना माइंड है मेरे अंदर। और उसके बाद खाना बन के तैयार हो जाता है और मैं राधा रानी को याद करता हूँ और बस खाना खाने लगता हूँ। अब ये इतना टेस्टी बना है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। क्या बोल रहे हो, झूठी तारीफ कर रहा है, खुद ने बनाया इसलिए। हाँ यार ऐसा ही समझ लो क्योंकि अगर मैं बोल दूंगा अच्छा नहीं बना तो फिर अशोक भैया भी नाराज हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में जल्द ही। जब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।